तो भाई माशाल्लाह यहाँ पर एकदम मस्त कपड़ा, क्या बात कर रहे हैं? अरे माशाल्लाह क्या बात है भाई, आज सब मेरे घर पे आ रहे हैं, मेरे को तो बहुत खुशी है। क्या बोलते भाई, कैसा लगा? एकदम मस्त। वो बनाया शालो ने बनाया भाई, एकदम तहलका डाल दिया पूरे जब तो शादी। तो यहाँ पर देखिए भाई, फातिमा को मैं और सालिहा के हाथ का खीर से क्या बोलते हैं, शिव कुमार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आइए अच्छा ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस इतने दिन से सहरी के लिए उठ रहे थे, ईद की नमाज के लिए उठे हैं, फजर की नमाज का टाइम हो चुका है। इंशाल्लाह हम लोग की वहाँ जो जमात खड़ी रहेगी ना 8:30 बजे की जमात है, तो चलिए चलते हैं। पहले सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ कर आते हैं, फिर उसके बाद कुछ लंबा टाइम ही बचे। ये कुछ हमारे बाहर का नज़ारा है, देखो नमाज जल्दी फजर की नमाज कम से कम पढ़ो आए, और 8:30 बजे की नमाज होगी, शाम ईद की नमाज के लिए आ जाइए। तो मैं आ गया घर पे, और ये देखिए भाई अरहान के हाथों पे पूरी मेहंदी मेहंदी लग गई है, सालिया लगा के सोए थे ना बाजू में, तो इसी वजह से पूरी लग गई है, मस्त कह रही नींद में सो रहा है। और मेरी फातिमा को देखो, मेरी फातिमा की तबीयत नहीं सही है, इसका आंगना पूरा गर्म है, तो इंशाल्लाह इसको दवाखाना लेके जाने का भी दवा लेकर आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना पानी गर्म हो चुका है भाई, तो चलिए फटाफट नहाते हैं। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे हो आप? उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। तो आज ब्लॉग शुरू करते हैं, आप लोगों का वेलकम है सालिया फिशर के ब्लॉग में। तो मेरे शोर नहाने जा रहे हैं अभी, उनका पानी गर्म हो गया है, और 7 बज चुके हैं, तो 7 बज चुके हैं, 8:30 बजे की जमात है, लेट गए तो फिर जगह नहीं मिली। आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक है। आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह सलामत रहे आप लोग को सबको। सबसे पहले ये प्यारा मॉर्निंग का व्यू देख लो माशाल्लाह, और हमारे नमाजी हजरात तेरे सब जा रहे हैं, देखो यहाँ पे भी फुल आवन जावन लगा हुआ है, तो बस अपन भी चलते हैं। तो चलिए आप लोगों को ना मेरा ईद का मैं कपड़ा दिखाता हूँ, देखो ये वाला है भाई, ये वाला मैंने लिया था माशाल्लाह, कुर्ता पैजामा है। अगर आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताना, अभी इसको पहनूंगा ना तब आप लोगों को पूरा लुक पता चलेगा कि आपका यासिन भाई कैसा लग रहा है। और ये वाला क्या बोलते हैं अपना कुर्ता पैजामा ना, मैं जब इस्तेमाल में गया था ना दावत इस्लामी के एक दिन के, तो वहां पर बहुत सस्ते में मिल रहा था 600 रुपए में, तो मैंने ले लिया। यहाँ पर सालिहा बना रहे हैं चाय, बहुत दिन के बाद हम लोग चाय पी रहे हैं, और सुबह सुबह है ना शाना, चलो इससे पहले आप कहाँ पिए जल्दी जल्दी सुबह में, हाँ चलो बना। तो बहुत दिन के बाद हम लोग चाय पी रहे हैं सुबह सुबह, तो मैं नहा लेता हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ी सी चाय पीते हैं, मूड फ्रेश करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं ईद की नमाज पढ़ने। और आप लोगों को इंशाल्लाह मैं जितना हो सका वो शेयर करूँगा। उठ गए अरे माशाल्लाह। फातिमा बोलो सबको, बोलो आप सबको ईद मुबारक। और गाइस आप लोगों ने सालिया की हाथ की मेहंदी है, तो बेगम साहिबा जरा हाथ दिखाइए ना, हाथ दिखाइए ना, बस 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 इतना ही, थोड़ा थोड़ा बस। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मस्त लग रहा है, अभी मतलब पूरा निकाले नहीं है, और अच्छे से अभी कलर छाड़ा भी नहीं है, इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में कलर चढ़ जाएगा जब पूरा निकल जाएगा ना, मतलब अभी बाकी है ना निकलना, ठीक है। तो आसिफा भाभी ने कल रात में कितने बजे आए थे सालिया? 1 बजे आए ना, 1 बजे आके मेहंदी लगा के हम लोगों घर पे माशाल्लाह। मेरा नाश्ता भी करके हो गया, और मेरा कपड़ा भी पहन लिया, आप लोगों का इंशाल्लाह क्या बोलते हैं अपना ईद की नमाज पढ़ने के बाद आगे लुक वगैरह जो भी दिखाऊंगा, अपना लुक के चक्कर में मेरी जवान रख लिया, क्योंकि ऑलरेडी 7:40 बजे हो चुके हैं, और अभी से पूरी नीचे की जगह ना फुल हो गई है, ऊपर की जगह खाली है, चलो चलते फटाफट नमाज पढ़ के आते हैं। देखो हे बबुआ कहा हो भैया, उठ गए माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा जाना, हाँ खजूर खा के जाते हैं, क्योंकि नमाज से पहले खजूर खाना है, इंशाल्लाह खजूर खाएंगे। तो मैंने जैकेट भी पहन लिया गाइस, बहुत अच्छा माशाल्लाह, कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताना, ये चलते हैं। Thank you.
शफीक भाई की एंट्री बहुत खतरनाक थी हाँ माशाल्लाह। यहाँ पर हम लोग सब लोग आ गए मुबारक भाई, तुम ध्यान में रहो तुम्हारा घुटरा खतर मुबारक। क्या बात है भाई अब्बा का एकदम ईद मुबारक मुबारक हो। तो माशाल्लाह देखो भाई यहाँ पर सब फोटो वोटो खींच रहे हैं अभी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चलो भाई आप सबको हम पूरी फैमिली वाले की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो सब चले गए हैं नमाजी हजरात, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से ईद मुबारक हो, आपको भी खैर मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबको हमारी फैमिली की तरफ से ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। अरे क्या बोलते हैं मुबारक। तो अपना आज ना पानी का नंबर है, चलो फटाफट पाइप बिछा देते हैं। ईद मुबारक आपको भी, खैर मुबारक माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई पाइप बिछाते आते साथ अपना पहला यही काम है। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे, तो चलिए आप लोगों को बता, आप लोग ने तो देख ही लिए है कि मेरा कपड़ा कैसा लग रहा है। ये देखो ये है अपना लुक। तो कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताना। तो अभी बच्चे लोग यहाँ पर तैयार नहीं हुए हैं, फातिमा यहाँ पर खेल रही है, अरहान यहाँ पर खेल रहे हैं। और सोले आपको ईद मुबारक, आपको भी मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और चलिए भाई सबको फोन लगा के बोलते हैं, सबको ईद मुबारक करते हैं, अपने खानदान वाले को, सलेहा के खानदान वाले को। चलो सबको फोन लगा दे, ठीक है। आप लोग से मिलता थोड़ी देर के बाद में। हर ईद में किसी न किसी की कमी होती है, तो इस ईद में भी मेरे अम्मी की, मेरे खाला की, मेरे सोनू भाई की कमी है। और वो महसूस भी होती है कभी कभार, बहुत महसूस होती है, बहुत। फरहान को देखो बेटा है, बेटा बेटा नहीं 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 नहीं। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह के पास चले गई। अल्लाह पाक मेरे अम्मी की, मेरे खाला की, मेरे सोनू भाई की और जितने भी मेरे खानदान में इंतकाल कर गए हैं उन सब की बेहिसाब मकफरत फरमाए। और बस उनकी यादें ताज़ा रखना चाहिए कि उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। आप लोग भी अपने फैमिली वाले को जो इस ईद में नहीं है उनको मिस कर रहे होंगे, तो बस उनके लिए दुआ करें और इसाले सवाब किया करें, उनके लिए यही काम आएगा। तो और फलस्तीन के गाजा के मुसलमानों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, अल्लाह पाक उन सब की बेहसा मकफूर फरमा। तो यहाँ पर सोलिहा की सेवाएं अभी बनने रखे हैं, तो इंशाल्लाह बन जाएगी तो आप लोगों से शेयर करूंगा। और बहुत याद आती है, पता है, बहुत 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 कभी कभार। सालो तुमको किसकी याद आती है ईद में? मुझे भी सब परिवार वालों की याद आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सोलिहा अपना घर परिवार छोड़ के मेरे पास आए हैं। और मैं क्या ही बोलूं यार, सही में बोलते ना ये सब चीज ना अल्फाजों से ना बयान नहीं हो सकते हैं। बस दिल में सोचते रहते हैं कि ऐसा है वैसा, इसको मिस करते हैं, उसको मिस करते हैं, जबान पे लाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं आ पाता है। खैर जो जहां भी है अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, और जो हमारे खानदान में इंतकाल कर गए हैं अल्लाह पाक उन सबकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए इस प्यारे महीने के सबके में। और क्या हुआ फातिमा, क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ कोई बात नहीं मेरा बच्चा, अभी तुम भी तैयार हो जाएंगे, कितने अच्छे लगेंगे ना तुम। फातिमा मेहंदी नहीं लगाया तुमने? नहीं लगाया, ऐसी करते फातिमा बोलती है ऐसी। भाई एक काम ना ईद के दिन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं ना, तो छुट्टा नहीं है, चलो चलते हैं, छुट्टा लेकर आते हैं सबको, ईद ही भी देना है ना। कल्लू ईद मुबारक।
तुमको भी मुबारक। आप गले तो मिल ईद मुबारक। अरे माशाल्लाह फुलामी में बनता है वाले में ना ईद मुबारक चढ़े। अरे तुम लोग को झुकना पड़ रहा है। चलो चश्मा तो बता एक मिनट कपड़ा वीडियो में कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताना। अच्छा लग रहा हूँ एक फोटो लो साइड राइड में से। बच्चे लोग कैसा चश्मा है मेरा थोड़ी ना। चलो चलते मन जाए की दुकान पे छुट्टा लेने। छुट्टा जब तक छुट्टा नहीं मिलेगा ना तब तक बच्चे लोग को कुछ नहीं हो पाएगा ठीक है। अरे वाह अच्छा ईद मुबारक आपको भी ईद मुबारक माशाल्लाह माशाल्लाह जितने प्यारे लग रहे हैं बच्चे लोग। ईद मुबारक आलिया आपको भी मुबारक हो। ईद मुबारक तुमको भी ईद मुबारक माशाल्लाह। तो मन्नी भाई बोले हैं 5-10 मिनट के बाद आओ तुम्हारे को पूरे पूरे छुट्टी मिल जाएंगे। अरे वाह माशाल्लाह भाई वालेकुम अस्सलाम हमारे साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे दिख रहे भाई तुम। क्या बात है क्या बात है भाई दो बिछड़े दोस्त मिल गए यहाँ पर। क्या बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम खैरियत हमारे स्पीकर सबको दोबारा बोले। तो हाथ हाथ क्या साथ मिला कैमरे में आते चलो मैं आता हूँ साहिल में ठीक है। चलो चलते हैं मल्ली भाई की दुकान पे छुट्टा लेने के लिए। बहुत खुश रहता हूँ क्योंकि ईद खुशियों का त्यौहार है और हम लोगों को एक दूसरे से ईद मिलना चाहिए। मैं तो इसी तरीके से मुबारकबाद देता हूँ ईद की। ईद मुबारक हो हमारी तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से हमारे पूरे दोस्त यार की तरफ और हमारे पूरे खानदान की तरफ और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं आपको मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो भाई। जब मेरा कैमरा चालू था क्यों नहीं बोला। अपना भी कैमरा चालू करो अपने पर्सनल खास है ना इसी वजह से। अच्छे सारे कैमरा ट्रेनिंग में सिखाया गया है चाहे चोर आए चाहे चमार आए चाहे राजा आए चाहे भिखारी आए चाहे चोर आए चाहे पुलिस आए सबको एक नजर से देखो गिराफ को और हर गिराफ को चोर समझो लेकिन उसको बोलो मत कि चोर है। हमको ट्रेनिंग में सिखाया गया है हर गिराफ को चोर समझो लेकिन उसको बोलो मत कि तू चोर है एक निगाहें वैसी रखो उसके ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह हैवी भी तुम्हारा रावस लग रहा। तो मन्नी भाई से मैंने छुट्टा ले लिया भाई 20-20 रुपए का। अल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं अल्लाह सलामत रखे। तो चलिए आमिर भाई आ चुके हैं मैं और आमिर भाई जा रहे हैं चारकोप कब्रिस्तान भाई। तो हमारे आमिर भाई आ चुके हैं मैं और हमारे आमिर भाई जा रहे हैं। भाई जाएंगे पड़ा मम्मी के कब्र पे जियारत करके आएंगे इंशाल्लाह इस सवाब भी करेंगे। और अपन चाहे कैसे भी हो किसी हाल में भी हो अपने वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अपने मरहूम मरहूमा को नहीं भूलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ईद मुबारक माशाल्लाह पिंकी पिंकी पोंकी पोंकी उधर पे उसकी बहन बैठी है। चलो चलते हैं तो वहाँ पर देखो आमिर भाई ईद मुबारक ईद मिल रहे हैं सबसे। चलो ये मेरे क्या बात है आमिर भाई के साथ फिल्टर लो क्या बात है। सलीम भाई सलीम भाई एम्ब्रॉयडरी का माशाल्लाह आमिर भाई पहले शहरी पार्टी में थे अभी पार्टी चेंज कर लो। तो हम लोग सैंपल स्कूल पहुंच गए हैं और यहां पर देखिए माशाल्लाह सब हमारे प्यारे प्यारे इस्लामी भाई नवे नवे कपड़े पहन के कितने मस्त लग रहे हैं। अरे क्या बोलते दोस्त किधर जा रहे हैं काम पे अच्छा कांच पड़ा जा रही है। तो भाई देखो ईद मुबारक मिलते हुए और यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए कैम पे। हम लोग रोड की चहल पहल देखो आज सब जा रही है। तो आज के दिन खास स्पेशल मिलिट्री फोर्स लगी हुई है तो यहाँ पर 7 नंबर का ऐसा कुछ नजारा है और रोड एकदम खाली खाली दिख रहा है। हम लोग अभी रिक्शा पकड़ेंगे रिक्शा भाई रुको ना रिक्शे के लिए रिक्शे से जाएंगे खाली में तुमको कितने देर पहले जाना भाई स्टैंड ऊपर करो स्टैंड अच्छा अच्छा भाई चार कप चलो बैठो हाँ भैया चार कप कब्रिस्तान हाँ 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 बच्चे लोग तो
तो हमारे रिक्शा वाले अंकल को देने के लिए छुट्टा नहीं था, तो हम लोग यहाँ से पी रहे हैं गन्ने का जूस दो और हम लोग पहुंच गए चारों तरफ कब्रिस्तान। तो चलिए अभी आप लोगों को अंदर का दिखा दो। मसाला यहाँ से एकदम हरा भरा लग रहा है, देखो माशाल्लाह हमने ले लिए हैं और बैठे यहाँ पे बैठ के पीते हैं आराम से। बिस्मिल्लाह अभी रिक्शे में बैठे थे ना भाई, तो ऐसा लग रहा था कि अभी भी हम लोग रोज ही है, दो चार दिन लगेगा। हाँ तैबा, तो हम लोग पहुँच गए हैं चार को स्थान के पास में और यहाँ पे ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत स्थान भाई आ गए हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए भी और चार को कब्रिस्तान में कब्रों की जियारत करने के लिए भी है। देखिए तो हम लोग आ गए थे चार कोप कब्रिस्तान से और सबसे पहले हम जा रहे हैं सेवई खाने के लिए हमारे दिलशान भाई के घर पे। वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको भी खैर मुबारक हो। तो चलिए बैठते हैं, आप बैठे भाई आप जी बैठिए माशाल्लाह आ गए भाई अपने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बना। बारह वाली है ओके गाइस, आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, देखो देखा देखा कितना मेकअप लगाइए गाइस, आप लोगों में एक चीज दिखाऊं माशाल्लाह जरूर आप लोग कमेंट में बोलना ठीक है। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मैं अभी आरान को ना नीचे लेके जा रहा हूँ सबसे मिलाने के लिए, मेरा आरान बाबू इतना प्यारा लग रहा है, अल्लाह पाक नजर बच्चे बच्चा मेरे बच्चे को ये देखो भाई। आरान की तरफ से सबको ईद मुबारक है, हमारे आरान बाबू की तरफ से ईद मुबारक। और बड़ा बाबू ईद मुबारक बोल दो बेटा, ईद मुबारक पानी में ईद मुबारक माशाल्लाह। तो क्या बोलते अब्बा आ गए हैं मेरे घर पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, सारे लोगों को ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक हो माशाल्लाह। तो यहाँ पर अब्बा का शीर कुरमा निकल गया है, शीर कुरमा क्या बोलते हैं वही। हाँ तो ये क्या बात है भाई, दादू की तरफ से ईदी मिल रही है। अब्बा क्या बात है, ओ वाओ अरे बाप रे बाप, इसका देखो कैसे ईदी लेने आया। अरे वाह, ईदी मिलने के बाद खुशी देखो इसकी। अरे माशाल्लाह अरे माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, तुम्हारी नहीं है उसके अंदर से फातिमा को भी 50 रुपए देने का है। क्या बोलते आरान, ए 50 रुपए फातिमा को भी देने का है ठीक है। हेलो दे दो बहन को, बहन को दे दो, दे दो बहन को दे दो। तो फातिमा को देखो भाई माशाल्लाह, यहाँ पर एकदम मस्त कपड़ा पहन के बैठी है। अम्मी को दे दो, अम्मी ना मामला अब्बू को दे दो। पहला तुम ही पी रहे, अब्बा पी के बताओ जरा कैसा लग रहा है, मस्त है ना माशाल्लाह। चलो भाई अपन तो क्या बोलते अपना शीर कुमा तो पीते रहेंगे, अब आती है ईदी के बारे ईदी ईदी तू मुझे देंगे। अब तुम्हारा टाइम कैसा है, मेरे पोते लोग का टाइम आया, मतलब शादी नहीं होना चाहिए मेरे ना, शादी नहीं होती तो अपने को ईदी मिलती थी। चलो खैर कोई बात नहीं, ये तो हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे गाइस, तो आप लोग इतना सीरियस मत लेना। और अब्बा कब्रिस्तान जाकर आए कि नहीं है, जाएंगे अभी जाएंगे अभी, मैं और अमीर भाई तो जाकर आ गए। आज मैं कैसा लग रहा हूँ बताइए। अरे बहुत अच्छे लग रहे माशाल्लाह, तुमने कपड़े क्यों उतार दिए। अरे भाई कपड़ा बहुत प्यारा, अब्बा तुम्हारी घड़ी तो माशाल्लाह कितनी मस्त लग रही है यार, एक नंबर माशाल्लाह वेरी गुड। आप लोग यकीन माने सालिहा ने इतना मस्त शीरकुरमा बनाया ना यार, पीते साल इतना दिल खुश हो गया, मैं क्या ही बोलूं, मैं दोबारा पीने का दिल कर रहा हूं। चलो दोबारा आप लोगों से रिव्यू शेयर करता हूँ। किचन थोड़ा सा गंदा गया, इग्नोर करना क्योंकि हमारे आप लोग यकीन नहीं मानेंगे यार, घर साफ रखते हैं जितना भी, लेकिन ये बच्चे लोग हैं ना वापस उतना गंदा कर दे। उनको कुछ भी खिलाओ या कुछ भी करो ना तो ये पूरा फैलाव डालते हैं, आप लोग समझ सकते हैं ना मेरी बात को। ये वाली आओ इधर इधर बैठा, आ जाओ
फातिमा आओ आप भी खाएंगे आ जाओ। हमारे बच्चे लोग आ चुके हैं, क्या बात है क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फर्स्ट एंट्री मारे हैं और हम लोग भी कह नहीं गए क्योंकि हमारे दोनों बच्चों भी सो गए हैं, सालिया होते गया, उन्हें थोड़ा टाइम लग गया था, तो इंशाल्लाह जोहर की नमाज पढ़ने के बाद ही हम लोग कहीं निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का यशिन से ब्लॉग, क्या बात है समीर भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसा है आप लोगों का? थैंक यू सो मच। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाभी आ जाओ आ जाओ। अरे बाप रे बाप, मजमा भाभी को एकदम तूफान डाल दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आ गए छोटू किधर? क्या बात है क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा तू गए थे क्या वहाँ पर जाके? आए चलो ठीक है आ जाओ। क्या प्यारा कपड़ा पहने यार तुमने, एक नंबर लग रहे हैं। सबसे पहले बड़ा भाई के इधर, फिर छोटी चाची के इधर। हाँ चलो ठीक है, तो हम लोग भी अभी जाते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं, है ना? कौन क्या बात कर रहे? अरे माशाल्लाह क्या बात है भाई, आज सब मेरे घर पे आ रहे हैं, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, हमारे आमिर भाई भी आ चुके हैं। और भाई खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई लोग सब आ गए हैं। अल्लाह देखो भाई सब आ गए हैं, बैठो बैठो, अभी जाएंगे वसीम के घर पे, पहले भाई भाई मिल लेते हैं। चलो ठीक है, तुम अपने घर पे जाएंगे तो हम घूम के तुम्हारे घर पे फिर आएंगे। हाँ मिल लेते, बच्चे लोग सो गए ना तो इसे पता लगता है भाई, फटाफट आके मिल भी लेंगे। बच्चे लोग सो गए ना वरना हम लोग भी नहीं भाई, मीठा मीठा पे टेंशन आ रहा है, आज चक्कर आने वाली सब जगह। हाँ पियो पियो, अब इधर पिए वसीम वसीम भाई। अरे शाम तक छूटने लग गया लेकिन नींद बहुत आई गया ऐसे। क्या बात है भाई, एक नंबर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, भी दिखाने का आ गए हमारे बड़े बड़े के भैया आ गए, भी दिखाने का। गर्ल्स नॉट अलाउड। चलो देखो क्या बोल रहे हो, फेस रिव्यू लगेगा तुम्हारा तो माशाल्लाह। आज पलटन आज मेरे घर पे आ गए, क्या बात है माशाल्लाह। क्या बोल रहे भाई, मेरे को बहुत गर्व है। हाँ सोले ऐसा नहीं पकड़ेगी, ऐसे पकड़ेगी, ऐसा ना करेगी, थोड़ा पकड़े जाना थोड़ा। क्या बात है, जिस बने जो थोड़ी देर में और लेकर मालूम तो फुटते। शाला के फिल्म बन गए माशाल्लाह। जानू जानू क्या बोले, हाँ कैसा बोलता है एकदम। हेलो जानू क्या बोले, जानू जानू बोले, तेरे को बोले जानू, छोटू को बोले जानू, देख क्या बोलता है। मैं थोड़ी तुमको बोलूंगी, तुम्हारी औरत बोलेगी। क्या बोलते भाई, कैसा लगा एकदम मस्त? वो बनाया शालो ने बनाया भाई, एकदम तहलका डाल दिया ना। तू आती है पूरे जब तो शादी के बाद पहली बार तो गिरा रही है। हाँ अभी मस्त लगा रहा है एकदम, मोहब्बत का जाना। सालों ने बनाई को जो खिलाई अपने हाथों से अच्छी लगी यार, माशाल्लाह। अब्बा भी बोले एक नंबर लगे हुआ था। तो भाई हमारे बच्चे लोग को ईदी मिल गई है सब, तो हम लोग जा रहे हैं अभी शफीक भाई के घर पे, तो हमारी सालिहा मैडम भी रेडी हो चुके हैं, चलते हैं। हाँ यही है मखना, हमारा मखना है सालिहा के ऊपर, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। हाँ माशा हिजाब, चलिए निकला जाए। अरहान को मैंने अच्छी टोपी बनाया था, बेटा टोपी निकाल दिया, तो हम लोग जब सब लोग जा रहे हैं शफीक भाई के घर पे, फिर वहाँ से आ रहे हम लोग आमिर भाई के घर पे जाएंगे, फिर वहाँ से आ रहे हैं शफीक भाई अवसर भाई घर पे। चलिए सब पलटन निकलो, ताला मार देता हूँ मैं। तो चलिए भाई हम सब निकल चुके हैं। हाय सालिहा देखो आगे जा रहे हैं और आमिर भाई पीछे, और अरहान भी भाई के पास है और फातिमा मेरे पास है। फातिमा का ना बदन थोड़ा गर्म लग रहा है भाई, तो मैंने फातिमा को नीचे उतार दिया हूँ, फातिमा चल रही है। मैं तो भूल ही गया था कि इसको मैंने चप्पल पहनाया, जो वो पहनाया हूँ चप्पल। चलो गिरना नहीं है। शालो ने कौन सी चप्पल पहने, पता चला रास्ते में ऑमलेट होने। तो क्या बात है भाई, सब पलटन आ गया हमारे सब हो रहा है देखो। अरे माशाल्लाह सालिया आ जाओ आ जाओ। फातिमा कैसे मेरा बच्चा, बैठो बैठो, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ अभी इसका बदन ठंडा लगा, चलो बैठो आराम से। इसको क्या हो गया,
आमलेट ए आमलेट तो यहाँ पर माशाल्लाह देखिए अरहान को और फातिमा को ईदी मिल के फातिमा दिखाओ दिखाओ वो दिखाओ अरे वाह फातिमा को अरहान को ईदी मिल गई यहाँ पे सबको मिल गई है ईदी क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह बिहाइंड द सीन आई अभी अरे वाह भाई माशाल्लाह अरे एक बार अब्बा उसका हाथ पकड़े ना इसलिए चिड़चिड़ा रहे एक नंबर छोड़ो एक मिनट हाँ उन्हें मेरे बाप ने निकला का स्टाइल में निकाल ये फातिमा को मैं सेक रहा हूँ क्योंकि ना इसको थोड़ा बुखार है और कैसा आज दवाखाना भी बंद है ना तो इसी वजह से इसको ठंडा पानी रखा हुआ है सर पे ऐसे ही अल्लाह करे जल्दी बुखार सही हो जाए और अभी देखता हूँ कि मेडिकल से जाता हूँ डॉक्टर को बोलता हूँ कि भाई 1 साल की बच्ची है बुखार है उसको कुछ दवाई ववा दे दे तो जाके दे देगा अभी कैसे सब हॉस्पिटल वगैरह सब बंद है ना तो इसीलिए मैंने तो सुबह में ही लेकर आ गया था मैं सुबह में गया भी था डॉक्टर को देखने के लिए लेकिन दुकान बंद थी। और आज की वीडियो आप लोगों को हमारी कैसी लगी जरूर बताना और सालिहा के हाथ का खीर सेवा क्या बोलते हैं शेर कुमार कैसा लगा वो भी जरूर कमेंट करके बताना। मैंने रेसिपी नहीं शेयर कर पाया कि वो कैसा बनाए कैसा नहीं क्योंकि तो खैर क्या बोलते अपना आप लोग बस ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़ और आपकी प्यारी फातिमा के लिए दुआ जरूर करना।